चाहिए दोस्तों। तो अगला जो टर्म है आपका देखिएगा, जैसे बाइनोमियल की जो सीरीज चल रही है द्विपद प्रमेय के विपद प्रमेय की, ठीक है, तो पी का मतलब प्रसार है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म और जी का मतलब जनरल टर्म। हमने इससे पहले वाली वीडियो में 3 वीडियो बनाया और जिसमें इस बारे में सबके बारे में बताया, ठीक है। अब अगला जो वर्ड है आपका कौन सा है, एम, और इस बीच में है, बीच वाले पद को हमने बोला था कि एम से दिखाते हैं और उसको बोलते हैं मिडिल टर्म, ठीक है। और मिडिल टर्म हमने इंग्लिश में लिख दिया, सीबीएसई वाले लोग को लिख, ठीक है, सीबीएसई वाले बड़ा परेशान कर देते हैं अपना क्लास में, यहाँ पे हम टोटल पदों की संख्या को, यहाँ पे सुनिए, पदों की संख्या को, नंबर ऑफ टर्म को, पदों की संख्या को हम कैपिटल एन से दिखाए थे और n इक्वल टू कितना हुआ था, स्मॉल n प्लस 1, स्मॉल n प्लस 1 किसके प्रसार में, तो x प्लस a और इसके घात में n के प्रसार में, ठीक है। अब बताइए मध्य पद, थोड़ा सा कांसेप्ट हम समझाते हैं, देखिए अब हम एक तो एग्जांपल ले रहे हैं आपसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब बोलिए ये बताइए जो पदों की संख्या निकालेंगे, तो इसका स्मॉल एन है, अब इसमें जब एक जोड़ेंगे तो देखिए जो एन होगा ये क्या क्या आ सकता है, एक या तो इवन नंबर आ सकता है, माने सम संख्या, सीबीएसई का ले लो, इवन नंबर में सम संख्या, ऑड माने क्या होता है, विषम संख्या, माने दो ही मान संख्या आ सकता है, या तो सम आ जाए चाहे विषम आ जाए, इवन आ जाए चाहे ऑड आ जाए, ठीक है। बोलिएगा तो हम यहाँ सबसे पहले ऑड नंबर माने विषम संख्या लिया, ठीक है, माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के, तो विषम संख्या ना आएगा। बोलिए अब हम आपसे पूछे इसमें कि टोटल पदों की संख्या होगी कितना होगी, तो बोलिए कैपिटल एन इक्वल टू कुल पद कितने हुए, तो 9, तो एन इक्वल टू हमने कितना लिख दिया 9, और 9 क्या है आपका ऑड है, क्या है आपका ऑड माने विषम। अब सुनिए हम पूछे कि इसमें मध्य पद कौन सा है, माने बीच वाला कौन सा पद है, ठीक, तो बीच वाला पद कैसे निकालेंगे, बोलिए गिनेंगे। अब भाई क्या करते हैं, बीच वाला पद निकालना होगा तो इधर से एक को हटाएंगे तो एक छोड़ इधर से हटाएंगे, फिर एक हटाएंगे तो ई हटा देंगे, इसको हटाएंगे तो फिर इसको हटा देंगे, इसको हटाएंगे तो इसको हटा देंगे, देखिए ससुरा छोड़ो बैठा है 5 मध्य पद, इसका मतलब कि आप अगर सिंपल दिया है माने नॉट टू संख्या था, आपको बीच वाला पद निकालना था तो मैंने गिन के तो बता दिया, देखकर इधर का दर्शन छूट के बता दी, लेकिन हम बोलते कि 100 पद है और 100 पद का निकालना होगा बीच वाला पद, तो कैसे निकालेंगे, 50 75 100 पद है, 150 पद है, और इसे इसमें पावर में लगा दे तो बोलेगा बीच पद निकाले तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो अब इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, अब पता सोचना है आपको, देखिए कौन सा पद बीच वाला पद है, देखिए इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 पांचवा पद आपका क्या है बीच में है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 माने दोनों से बीच में होगा, माने दोनों से समान रूप से होगा, माने पांचवा पद आपका जो है वो किसमें आया है बीच में आया है, ठीक। और पांचवा पद जो आया है वही आपका मध्य पद कहलाएगा, यानी जो मिडिल टर्म आएगा, जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाला पद है सीबीएसई वाले लोग, वो कौन सा पद आया है पांचवा, माने T5 आया है, ठीक। अब T5 में जो मैंने 5 पैसे आ गए तो सोचना आपके दिमाग में, खुद सोचना है, देखिए नौ संख्या थी और 9 में हम क्या करेंगे कि 5 आ जाएगा, तो सोच रहा है एक छोटी सी तो लड़को रहेगा ना, तो वो बता देगा कि 9 में हम 1 जोड़ दे देंगे, तो 9 में 1 जोड़ देंगे, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, अगर 5 वो उंगली है तो इसकी बीच वाली उंगली कौन सी होती है, बड़की जो दिखाई दे रही है यही बीच वाली उंगली है, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 से भाग कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा तीसरी, देखिए 3 नंबर पर आएगी, 1 2 3। अरे बस हमें कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, भाई सब फार्मूला हम बता रहे थे सिर्फ समझाने के लिए, अब सुनिएगा, अगर n का मान ऑड नंबर हो माने विषम संख्या हो, तो जो मध्य पद होगा, तो किसके बराबर होगा, n में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे और किससे भाग लगा देंगे 2 से, किसे भाग लगा देंगे 2 से, और यही जो पद होगा वही कौन सा पद हो जाएगा आपका मध्य पद, एकदम याद हो गया होगा, हम बोले कि मध्य पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 उंगली था तो हमने इसमें एक जोड़ा और 2 से भाग किया तो तीसरी उंगली में 2 3 6 हो गया,
तो मैंने अगर एन के मतलब जो पदों की संख्या जो टोटल संख्या हो, अगर ऑड नंबर हो विषम संख्या हो तो इसमें एक जोड़ेंगे और दूसरे का कर देंगे भाग लगा देंगे, और यही वाला पद क्या कहलाता है आपका मध्य पद कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब कि अब इवन के लिए थोड़ा सा देखा जाए तो देखिएगा, अब इवन के लिए क्या कर जाएगा, मान लीजिए जब सम संख्या हो जाए तो सम संख्या हो जाएगा तो क्या करेंगे, जैसे एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ तक सम संख्या है। ठीक, इवन नंबर, अब बोलिएगा इसमें मध्य पद आपको निकालना है तो फिर से वही काम छाटने वाला काम करेंगे, कौन सा देखिए एक हटा दिए इधर से, 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 अब फिर से हटाएंगे देखिए यू हटा देंगे यू हटा देंगे तो बीच में मिलेगा शून्य, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब समझना है आपको कि भाई जब हम इसको भी हटा रहे हैं और इसको भी हटा रहे हैं, अगर दो को हटा देंगे हम तो दो को हटाएंगे तो बीच में क्या मिलेगा, सुना मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा हम तो आपसे मध्य पद पूछ रहे हैं, कुछ थोड़ी नहीं पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपको यहाँ पर समझने वाली बात है, बार बार दीजिए क्या करें, देखिए तो इसमें समझने वाला बात है कि इसमें मध्य पद कितने हो जाएंगे दो। अब कहें पूछो ना से कहने से बढ़िया कि कुछ बोल दिया जाए, और कुछ बोलने का मतलब कि अगर एन का मान इवन नंबर हो, इवन नंबर सम संख्या हो तो इसमें कितने मध्य पद होते हैं दो, और अगर ऑड नंबर हो तो इसमें यहाँ पर लिख रहे हैं कि ऑड नंबर में मध्य पदों की संख्या एक और इवन नंबर में मध्य पदों की संख्या कितना हो जाएगी दो। ठीक है, अब समझना है कि दो को होगा तो इसको कैसे निकालेंगे। ठीक, तो सुनिए अभी बताइए, जैसे समझना चार को उंगली है, चार को उंगली है तो चार में अगर बीच वाला पद निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, इधर से हटा रहे हैं और एक इधर से बनाए, दो को गिरा नीचे डाले। ठीक है, अब कितनी बची दो ठो, तो दो ठो मध्य पद मतलब कि कौन सा देखिए दूसरी और तीसरी बोल सकते हैं, चार उंगली है तो कौन कौन मध्य पद है दूसरी और तीसरी, अब दूसरी और तीसरी कोई से है चार को संख्या थी और दूसरी है तीसरी है तो चार में क्या करेंगे तो दो आएगा तीन आएगा, नहीं समझ में आएगा और समझिए ये बताए टोटल संख्या कितनी है आठ ठो। ठीक है, हमको पता है देखिए आठ में देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, मैंने जो चौथा पद है पांचवा पद है, जो चौथा पद है टी फोर और जो टी फाइव यही क्या कर रहा है मिडिल टर्म का है। अब आठ में कोई क्या करेंगे कि चार आएगा पांच आएगा, तो आठ में आपको सबको पता है कि अगर हम आठ में दो से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा चार आ जाएगा, और इसमें एक ठो और मैंने एक और निकालना हो तो आठ बटा दो आप प्लस वन कर देंगे तो कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा। तो मतलब मैं कहानी आ गया आपका, अगर इसमें अगर एन का मान यहाँ पर मिटा दे थोड़ा सा, ठीक अब यहाँ पर समझ देगी अगर एन का मान इवेन हो, एन क्या हो आपका इवेन हो तो इसके लिए मध्य पद क्या हो जाएगा आपका एक, हमने क्या किया था डायरेक्ट एन में चार में क्या किया था आठ में दो से भाग कर दिए थे, मैंने एन में किससे भाग कर देंगे एन बाई टू का पद, एक पद हो गया और एक ठो कौन सा हो जाएगा एन बाई टू और इसमें एक ठो क्या करेंगे हम जोड़ देंगे वो वाला पद हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ओ माय गॉड अगर ऑड संख्या है तो इसमें कितने मध्य पद होंगे एक ठो, और अगर इवन नंबर है उसमें दो ठो और कौन कौन सा एक एन बटा टू कर देंगे एक एन बटा टू प्लस वन कर देंगे, अगर याद करना हो तो पांच ठो है तो बीच वाला, बीच का मतलब कैसे आएगा तीसरा, तो पांच में एक जोड़ेंगे छह आ जाएगा दो से भाग कर देंगे, मैंने इसमें एक से जोड़ते हैं मैंने एन प्लस वन बटा में टू। ठीक है, अगर चार ठो है तो यहाँ पे चार बटा दो करेंगे तो दूसरा आएगा और चार बटा दो प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा तीसरा आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि n बटा 2 का पद एक ही टुकड़ा हो जाएगा, ये अब लिख दीजिए सीबीएसई वाले लोग गबरा नहीं, देखिए अब नहीं समझ में आता होगा तो ठीक है अब समझिए, इसमें एक क्वेश्चन किया जाए, इसमें एक क्वेश्चन किया जाए तब तक तो इस क्वेश्चन को लिखना है तब तक आप नोट करते रहिए इस बात को। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक क्वेश्चन है x बटा a प्लस a बटा x और पावर में कितना है 10। ठीक है, अब इसका बोला है कि क्या निकालना है मध्य पद निकालना, मध्य पद यानी मिडिल टर्म निकालना, मध्य पद निकालना क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम कुल खेला किसका है n का है, ये जो n है अब n का मान लिखेंगे तो देखिए सबको पता है कि n इज इक्वल टू क्या होगा भाई 10 है तो 10 में एक जोड़ देंगे टोटल पदों की संख्या कितना आ जाएगी 11। अब ये बताइए 11 विषम है कि सम है, तो सब सीधे सीधे लोग क्या कहेंगे कि विषम नहीं है वो ऑड है, तो
तो क्या हो जाएगा क्वाड हो गया, विषम संख्या हो गया। अब विषम होता है तो क्या बोले हैं कि इसके लिए मध्य पद कितना होता है n प्लस 1 बाई 2 का पद। इसका मतलब कि n प्लस 1 करेंगे मध्य पद के लिए कौन सा हो जाएगा मध्य पद इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1 यानी 11 प्लस 1 बटा में 2 का पद कितना हो जाएगा 11 प्लस 1 करेंगे तो 12 बटा 2 माने 6 का पद। ठीक है अब 6 का पद आपको मान निकालना है तो 6 का पद का फार्मूला भी a ऑफ t r प्लस 1 ऑफ पद निकालेंगे फार्मूला कितना होता है n c r। इसका अगर नहीं देखे अगर नहीं समझ में आएगा तो इसे पिछली वाली वीडियो जाकर देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा देख सकते हैं। ठीक तो कितना हो जाएगा एनसीआर एक से घात कितना होगा एन माइनस आर और इनटू कितना हो गया एक के पावर है। किसके प्रसार में होता है ये भी लिखते हैं तो किसके प्रसार में होता है x प्लस a सीबीएसई वाले प्रसार माने एक्सपेंशन होता है ध्यान दीजिएगा x प्लस a के पावर कितना होता है n। अब सुनिए तो इसका मतलब कौन सा पद आपका मध्य पद होगा छोटा पद तो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है एक तो बोल देगा कि मध्य पद का मान ज्ञात कीजिए ठीक है मध्य पद का मान तो मध्य पद का मान निकालना होगा एक बोल देगा कौन सा पद मध्य पद होगा जैसे एयरफोर्स में डायरेक्टली पूछ लेगा कि इसमें कौन सा पद मध्य पद होगा तो मान नहीं निकालेगा तो पूरा सॉल्व करना नहीं आएगा ठीक है एकदम से डायरेक्ट जाइए यहाँ मान निकालिए कौन सा पद हो जाएगा छोटा पद डायरेक्ट ठीक कर देंगे सब जो आएगा एकदम खचाक से मान लेंगे बोली आ जाएंगे ठीक है ठीक है। सुनिए अब टी आर प्लस होना पता है एनसीआर एक से पावर एन माइनस आर एक ही जाता है तो हमको छोटा पद निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे छ को क्या लिखेंगे टी पांच प्लस वन सबसे पहले इस रूप में कन्वर्ट करेंगे एन एन का मान कितना है इसमें लेन देखना है एन कितना है दस दस सी ध्यान दीजिएगा भाई खाली एन ग्यारह मत रख दीजिएगा ये वाला रखना है ग्यारह रख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा पूरा बन जाएगा टेन सी आर का मान कितना है आर के स्थान पांच तो टेन सी फाइव इंटू एक से घात एन माइनस आर यानी एक से घात कितना हो जाएगा अब एक्स के स्थान पर देखना है एक्स के स्थान पर कितना है एक्स बाई ए है x बटा में a और एक का घात क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 इनटू a है और a का स्थान पे कितना है a बटा x और इसका घात कितना हो जाएगा 5 अब इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे 10 c 5 ऐसे ही छोड़ेंगे x का 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना होता है 5 तो x के पावर 5 हो जाएगा ऊपर और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा a के पावर 5 और ऐसे ही देखिएगा भाई a के पावर कितना हो जाएगा 5 और बटा में एक से घात कितना हो जाएगा आपका 5 देखिए x की पावर एक खचक से कट गया ये भी खचक से कट गया तो कितना आ गया डायरेक्टली 10 c 5 माने मिडिल टर्म जो मध्य पद पूछा था उसका मान कितना आ गया 10 c 5 ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करके और इसको नोट करिएगा और हमको एकदम आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है एकदम आनंद आ रहा है काहे नहीं आ रहा है हम पढ़ा रहे हैं भाई भी करें इसको नोट करिए तो वीडियो को पॉज करें ठीक है तो नोट कर दिए हुए अब इसको हम मिटा रहे हैं और फिर एक मान लीजिए कि अभी n का मान विषम था ऑड था तो इसके लिए देखिए हम सॉल्व किए हैं अब एक तो मान लीजिए कि सो मान है n का मान इस पे क्वेश्चन देख लिया है ठीक है इसको नहीं मिटा रहा है मान लीजिए कहीं घबरा जाएंगे कहां से लिख रहे हैं तो इसके लिए छोड़ रहे ठीक एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं मान लीजिए कहीं दिया है क्वेश्चन में 3x स्क्वायर बटा में 2 और पावर में माइनस बीच में कितना है आपका बीच में आपका 1 माइनस 1 बटा में 3x और पावर में कितना है 9 ठीक है। अब इसमें आपको मध्य पद निकालना कौन सा पद निकालना है मध्य पद बोलिएगा मध्य पद माने मिडिल टर्म ठीक। अब सुनिए सबसे पहले n का मान लेंगे कैपिटल n n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 धन 3 करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ ही जाएगा तो सम आ गया। अब सम के लिए हमने लिखा है कि अगर चार्ट होता तो क्या कहते दो तो मध्य पद होगा माने इसमें दो मध्य पद होंगे कौन कौन सा एक चार बटा दो किया तो दूसरा आया था एक तीसरा आया था ठीक है माने एक चार बटा दो एक चार बटा दो प्लस वन तो कितना कितना हो जाएगा एन बटा टू का पद ये मिल गया थोड़ा सा और एक कौन सा होगा एन बाई टू प्लस वन आ ठीक है तो कितना होगा आपका मध्य पद कौन कौन से हो जाएंगे एक दस बटा में दो का पद ठीक है और एक कितना होगा दस बटा दो और प्लस वन आ माने कौन कौन से पद हो जाएंगे एक दस बटा दो करेंगे तो पांचवा पद और कितना हो जाएगा आपका 10 बटा 2 करेंगे तो माने 5 कितना हो जाएगा 6 माने जो पांचवा पद और छठा पद होंगे वही क्या होंगे मध्य पद होंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम लिख रहे हैं डायरेक्टली आप निकालिएगा देखिए पांचवा पद का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा टी फोर प्लस वन और फार्मूला कितना होता है एन सी आर एन का मान है 9 तो 9 सी 4 इंटू एक्स का स्थान पे कितना है 3x स्क्वायर बटा में 2 और पावर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 और इनटू कितना हो जाएगा एक एक और एक का मान कितना है आपका एक का स्थान पर माइनस एक बटा तीन तो माइनस एक बटा तीन एक्स और पावर में कितना हो गया 4
ठीक है, इसका मान थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरा विधि बताई दी है, अब तो बोथ पर बता रहे हैं आप, इतना के लिए क्या करें, कर नहीं सकते इतना सा। अब छः का पद निकाल है तो कितना हो जाएगा, छः को पाँच प्लस वन लिखेंगे, अब कितना हो जाएगा नौ सी फाइव, जहाँ जहाँ चार लिखे वहाँ पाँच लिख दीजिए, इंटू थ्री एक्स स्क्वायर बटा में दो, और पावर में कितना हो जाएगा नौ माइनस पाँच, और माइनस एक बटा तीन एक्स और पावर में पाँच। ठीक है, एकदम आने तूफान ले एकदम एकदम करते रहे क्वेश्चन। ठीक, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में आइए इंडिपेंडेंट टर्म, मुक्त पद, अचर पद, कांस्टेंट टर्म, सीबीएसई वाले लोग कांस्टेंट टर्म ठीक है ना, उसको निकालेंगे। और मुक्त पद का मतलब बताया नहीं है कि अगर हम बाल से मुक्त होना चाहते तो क्या करेंगे, बाल को उड़ा देंगे, तो मुक्त पद निकालेंगे, और इसके लिए ट्रिक भी बताएंगे, एकदम से एक वर्ड में रखेंगे फटाक से एकदम सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हंसते रहिए, मस्त रहिए एकदम से वीडियो।